हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल। आ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर गेट एसी एंड पीएसयूज। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रोड मैप ऑफ जनरल एप्टीट्यूड। यस डियर स्टूडेंट्स, हाउ आवर होल एंटायर कंटेंट इज गोइंग, व्हाट इज द रोड मैप ऑफ दिस कोर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है रोड मैप का सिंपल सा मीनिंग होता है, जैसे आपने देखा होगा कि गूगल रोड मैप। यस डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा गूगल मैप। तो गूगल मैप में क्या होता है, जब भी आपको कहीं पहुंचना होता है, कोई आपकी डेस्टिनेशन होती है, तो आपका जो भी डेस्टिनेशन हो उसका आप एड्रेस डाल देते हो गूगल मैप में। तो गूगल मैप क्या करता है, आपको बताता जाता है कि आपको यहाँ जाना है, राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, और इस तरीके से वो आपकी डेस्टिनेशन तक गूगल मैप आपको पहुंचा देता है ना डियर स्टूडेंट्स, एम आई राइट। तो इसी तरीके से हमारा जो जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल एप्टीट्यूड का रोड मैप आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस जनरल एप्टीट्यूड #02 में। यस डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा जो सेकंड लेक्चर है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड का रोड मैप, कि हम किस तरीके से हमारा पूरा इंटायर जनरल एप्टीट्यूड कवर करेंगे, जिससे कि हमको जनरल एप्टीट्यूड में 15 out of 15 मार्क्स मिल जाए। यस डियर स्टूडेंट्स, और ये जो कोर्स हमारा होने वाला है, वो होने वाला है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए, सिविल ब्रांच के लिए, मैकेनिकल ब्रांच के लिए, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच के लिए भी होने वाला है। बाकी हमारा जो जनरल एप्टीट्यूड है वो पूछा जाता है 29 ब्रांचेस में। यदि ये 29 ब्रांचेस में से आपकी कोई भी ब्रांच हो, तो आप ये जनरल एप्टीट्यूड के कोर्स को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस तो सेम है। यस, 29 ब्रांचेस में हमारी जो IIT और IISc बेंगलोर जो मिलकर हमारा गेट पेपर सेट करते हैं, उनने सिलेबस सेम रखा है उन्होंने। यस डियर स्टूडेंट्स, और ये जो हमारा कोर्स होने वाला है, फर्स्ट ईयर वाले के लिए भी होगा, सेकंड ईयर के लिए भी होगा, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, पास आउट, ड्रॉपर, आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप इस पूरे इंटायर कोर्स को अटेंड कर सकते हो। यस डियर स्टूडेंट, लेकिन क्या होगा, जो बच्चा फर्स्ट ईयर में है, जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है, तो उसके पास टाइम ज्यादा होगा। यदि उस स्टूडेंट्स के पास टाइम ज्यादा है, तो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी होगी, उसको हम ज्यादा स्टडी मटेरियल बोलेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए आप ये प्रैक्टिस करो, वो करो, उसके लिए हम अलग स्ट्रेटेजी बनवाएंगे। यदि कोई स्टूडेंट ड्रॉपर है, पास आउट है, फोर्थ ईयर में है, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी, क्योंकि उसके पास लेस टाइम है। यदि कोई बच्चा है जिसके पास ओनली 6 month का टाइम है, तो हम उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी बनवाएंगे, उसको बोलेंगे भैया आप हमारे फुल लेक्चर को देख लो, और हमारी जो नोट्स है नोट्स को बुलवा लो आप, है ना, क्योंकि नोट्स में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसमें ही आप जहां जहां थोड़ा बहुत आपको लग रहा है, आप ऐड करते जाओ, एड ऑन करते जाओ, और उसी में गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, वो सॉल्व कर लो, है ना, इतना मोर देन सफिशियंट बोलेंगे हम उसको। 40 to 50 hours आप पढ़ लो, यदि कोई किसी स्टूडेंट के पास 6 month है, तो उतना मोर देन सफिशियंट रहेगा। यदि कोई स्टूडेंट के पास ज्यादा टाइम है, तो उसको हम इस तरीके से अलग अलग, देखो यार क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट यूनिक होता है, तो यदि स्टूडेंट यूनिक है तो स्ट्रेटजी भी तो यूनिक होनी चाहिए, है ना, एम आई राइट। तो इस तरीके से हम लोग मतलब प्रॉपर तरीके से गाइड भी करेंगे कि आपको किस तरीके से आप कैसे कैसे क्या क्या फॉलो करोगे, तो आपको फुल मार्क्स 15 out of 15 मिल जाएंगे जनरल एप्टीट्यूड में। और अदर सब्जेक्ट के लिए भी हम आपको गाइड करेंगे, डोंट वरी। लेकिन अब मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करता हूँ रोड मैप ऑफ द जनरल एप्टीट्यूड, कि हमारा होल इंटायर कंटेंट कैसे होने वाला है, हम कैसे आपको पूरा फुल कोर्स कवर कराने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड का। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्बल एप्टीट्यूड से। यस डियर स्टूडेंट्स, वर्बल एप्टीट्यूड से, जैसे कि आपको भी पता होगा, गेट के सिलेबस में 4 sections हैं, जिसमें से फर्स्ट है वर्बल एप्टीट्यूड, सेकंड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद थर्ड है आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड, और फोर्थ है आपका स्पेशल एप्टीट्यूड। तो हम पूरा का पूरा आपको इसी सीक्वेंस में कवर कराने वाले हैं। तो वर्बल एप्टीट्यूड में फर्स्ट आपको कराऊंगा मैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर, और ये जो सब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, 2 marks, 2 marks, 3 marks, 1 marks, ये सब मैंने कैसे लिखा हूँ, ये आपको किसी भी ऑफिशियल गेट सिलेबस या किसी भी वेबसाइट में नहीं मिलेगा, या और कोई अदर टीचर भी पढ़ा रहा है तो वो भी इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता है। ये मैं सब गेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस करके ये सारे मार्क्स आपको यहाँ पर मैं लिखा हूँ, है ना।
तो किसी भी ऑफिशियल सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है ना, ऑफिशियल गेट सिलेबस में नहीं है। तो आप मतलब क्या, बहुत सारे बच्चों को रहता है ना कि सर यहाँ तो ऑफिशियल गेट सिलेबस तक में नहीं है और आप कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दिया हूँ मेरा सोर्स कि मैं ये एनालिसिस कहाँ से किया हूँ, या मैं गेट के प्रीवियस ईयर पेपर से उनको एनालिसिस किया हूँ, उसके बाद यहाँ पर लिखा हूँ, है ना। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे वर्बल एप्टीट्यूड, और वर्बल एप्टीट्यूड में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर, और बेसिक इंग्लिश ग्रामर से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। और बेसिक इंग्लिश ग्रामर हम कैसे कंप्लीट करने वाले हैं, फर्स्ट कंप्लीट करेंगे हम आर्टिकल्स, है ना, फिर आर्टिकल्स के बाद टेंसेस, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर एडजेक्टिव्स, फिर एडवर्ब, फिर प्रेपोजिशन, फिर कंजक्शन एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर नाउन एंड प्रोनाउन, फिर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस तरीके से हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर को कवर कर लेंगे, है ना, जिससे कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछाने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसके बाद हम सेकंड स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर बेसिक वोकैबुलरी, जिससे कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। जिसमें मैं आपको क्या क्या कवर कराऊंगा, आपको मैं कवर कराऊंगा वर्ड्स, वर्ड्स में क्या कवर कराऊंगा, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, फिर इडियम्स, फ्रेजेस इन कंटेक्स्ट, है ना। इस तरीके से हम बेसिक वोकेबलरी कवर करेंगे। उसके बाद हम थर्ड चैप्टर करेंगे रीडिंग एंड कॉम्प्रेहेंशन, है ना। इसमें से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो जिसमें से क्या है, कोई आपको 4 लाइन का पैसेज गिवन रहेगा, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, क्लू टू द पैसेज, इंटरफेरेंस। इस तरीके से हम रीडिंग एंड कॉम्प्रेहेंशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम फोर्थ स्टार्ट करेंगे नैरेटिव सिक्वेंसिंग, जिसमें से 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 5, जो कि एनालॉजी है। इससे भी 1 क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी रहती है। इस तरीके से हम पूरा वर्बल एप्टीट्यूड कवर करेंगे आपके लिए। यस डियर स्टूडेंट, अब देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्बल एप्टीट्यूड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सबका प्रिय सेक्शन, और सबको इससे बहुत प्यार है, और सबको बहुत मजा भी आता है सेक्शन कवर करने में। और मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में ये सेक्शन के कुछ कुछ पोर्शन कवर कराए जाते हैं, है ना, वो भी कॉम्प्रिहेंसिव वे में नहीं, ऐसे ही करके थोड़ा बहुत 22-25 लेक्चर थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पढ़ा दिया, है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्बल एप्टीट्यूड। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जो है, मैंने कुछ जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट पॉइंट में इनको कर दिया हूँ। तो देखो, पहले हम टाइम एंड वर्क कवर करेंगे, है ना, मतलब इस तरीके से हम पहले टाइम एंड वर्क कवर करेंगे, उसके बाद फिर पाइप्स एंड सिस्टम्स, उसके बाद फिर टाइम एंड डिस्टेंस। और ये जो तीनों हमारे जो चैप्टर है, तीनों चैप्टर या बोलो तीनों टॉपिक, तो इनसे 1 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है गेट एग्जाम में, 1 क्वेश्चन पूछे आने की पॉसिबिलिटी रहती है। उसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट सेकंड जब स्टार्ट करेंगे, तो उसमें स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इससे भी 1 क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। और मैं आपको ये सब बता दिया हूँ, मैं ये सब कहाँ से एनालिसिस किया हूँ, 1 क्वेश्चन ये सब, ये और ये मार्क्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन, मैं ये सब गेट के प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस किया हूँ, उसके बाद ये सब आपको बता रहा हूँ, है ना। ऐसा कहीं किसी भी ऑफिशियल गेट सिलेबस में मेंशन नहीं है। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे रेशियो, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, तो इनसे भी 1 क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। फिर हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम एंड एवरेज, तो नंबर सिस्टम और एवरेज से भी 1 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, एलिमेंट्री स्टेटिस्टिक्स, है ना। तो ये जो है, ये हमारा जो 5th चैप्टर है, वो हमारा मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड दोनों में कॉमन है। तो मैं आपको जनरल एप्टीट्यूड में कवर करा दूंगा। तो हम लोग मैथमेटिक्स में परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, एलिमेंट्री स्टेटिस्टिक्स नहीं पढ़ेंगे, है ना, आपको जनरल एप्टीट्यूड में ही पूरा कवर करवा दूंगा, है ना। और इससे 4 मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड दोनों में कॉमन है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर एनालिटिकल एप्टीट्यूड। यस डियर स्टूडेंट्स, अब हम एनालिटिकल एप्टीट्यूड कैसे कवर करेंगे, फर्स्ट आपको पढ़ाऊंगा सीरीज, उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन, उसके बाद फिर एनालॉजी, फिर उसके बाद कोडिंग, फिर उसके बाद डिकोडिंग, फिर उसके बाद वेन डायग्राम,
और ये जो हमारा है फर्स्ट सेक्शन, या बोले तो फर्स्ट चैप्टर, या फिर फर्स्ट टॉपिक, इससे भी वन क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है गेट एग्जाम में। उसके बाद फिर सेकंड स्टार्ट करेंगे हम ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, सीटिंग अरेंजमेंट्स, डाइस, इनसे भी वन क्वेश्चन पूछे आने की पॉसिबिलिटी रहती है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे क्लॉक, फिर उसके बाद पढ़ेंगे पजल्स, तो इनसे भी वन क्वेश्चन पूछे आने की पॉसिबिलिटी रहती है ना। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एनालिटिकल एप्टीट्यूड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज आवर स्पेशल एप्टीट्यूड। यस डियर स्टूडेंट, फिर हम स्पेशल एप्टीट्यूड कवर करेंगे, फिर हम लॉगरिथम्स कवर करेंगे, प्रोग्रेशंस कवर करेंगे, पावर कवर करेंगे, एक्सपोनेंट्स कवर करेंगे, सर्व्स एंड इंडाइसेस कवर करेंगे, तो इनसे भी वन क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। यस डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम हमारा होल एंटायर जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स कवर करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप आपके पास बहुत ही लेस टाइम है, लेस टाइम बोलो तो 4 मंथ का टाइम है, 5 मंथ का टाइम है, 3 मंथ का टाइम है, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, डोंट मिस, नेवर एवर। तो आप सिर्फ वो टॉपिक कवर कर लीजिए, जैसे कि वर्बल एप्टीट्यूड कवर कर लीजिए। खैर इसको मैं बताऊंगा कि मतलब क्या क्या चीज, जब हम लोग एक्चुअल में कोर्स करेंगे ना, उस कोर्स में बता दूंगा आपको, है ना, सब कुछ, सारा सब कुछ मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। फर्स्ट है वर्बल एप्टीट्यूड, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, लॉजिकल रीजनिंग, टाइम एंड वर्क, यूनिट प्लेस, एपी, जीपी, एचपी, स्पेशल सीरीज। ये सब मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू दी गेट PYQ एनालिसिस, है ना, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैंने एनालिसिस किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। हाँ, है ना, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या है कि ये तो खैर ये है ना, और थोड़ा सा और कुछ जो डिस्कशन अपन कर लेते हैं, कुछ यदि रह गया होगा तो, है ना, नहीं तो फिर हम इस सेशन को एंड ही करते हैं ना, कुछ और रह गया होगा तो थोड़ी सी और बात करते हैं। ये क्या है ना, इस तरीके से, हाँ सारा सब कुछ जो डिस्कस हो ही गया है ना, आप ये एक्चुअल में ये प्रेप परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, हाँ इस हो गया ना, मतलब कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटा तो नहीं, नहीं कोई कुछ नहीं छूटा है ना, मैं मतलब देख लेता हूँ एक बार। अब इसके बाद फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।